हेलो एवरीवन, मैं हूं कृष्णा और मेरे चैनल एम्पीरियल साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं DAV क्लास 8 साइंस यू चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल का क्वेश्चन नंबर E। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला है सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड दूसरा है अल्मोनियम रिएक्ट विथ डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो चलिए देखते हैं। सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है। तो सोडियम का क्या फॉर्मूला होता है? Na, और ऑक्सीजन का क्या होता है? O2, और सोडियम ऑक्साइड का क्या होता है? Na2O। और ये 4 और 2 हम इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लगाते हैं। तो चलिए दूसरा है हमारा अल्मोनियम रिएक्ट विथ डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जब अल्मोनियम डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो अल्मोनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो अल्मोनियम का सिंबल क्या होता है? Al, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है? HCl, और अल्मोनियम क्लोराइड का क्या होता है? AlCl3, और हाइड्रोजन का होता है H2। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। वाई गोल्ड एंड प्लेटिनम सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। हम गोल्ड और प्लेटिनम को ही क्यों ज्वेलरी बनाने में हम यूज़ करते हैं? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। गोल्ड एंड प्लेटिनम्स आर सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी बिकॉज दे आर हाईली मेलेबल एंड डक्टाइल। वो बहुत ही ज़्यादा मेलेबल और डक्टाइल। और मेलेबल का क्या मतलब होता है? कि हम उसे थीन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और डक्टाइल का क्या मतलब होता है? हम उसे थीन वायर में ड्रॉन कर सकते हैं। दूसरा है दे रिटेन देयर लस्टर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और ये दोनों मेटल जो है लंबे समय तक अपना चमक बना के रखता है, वो फेड नहीं होता है। तीसरा है दे आर लिस्ट रिएक्टिव मेटल, और ये बहुत ही कम रिएक्ट करता है एयर और वाटर के साथ। इसी वजह ये तीन रीजन है, इसी वजह से हम गोल्ड और प्लेटिनम को ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम एंड पोटासियम स्टोर्ड अंडर किरोसिन गिव रीजन। क्यों सोडियम और पोटासियम को किरोसिन के अंदर ही रखते हैं? तो रीजन दीजिए। तो चलिए देखते हैं। सोडियम एंड पोटासियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल। दे रिएक्ट विथ एयर इवन एट रूम टेम्परेचर। दे ऑल्सो रिएक्ट विगोरसली विथ वाटर एंड कैच फायर। देयरफॉर दीज मेटल आर स्टोर्ड अंडर किरोसिन एंड पैराफिन वैक्स। और सोडियम और पोटासियम को इस वजह से किरोसिन वायल में रखते हैं क्योंकि ये जब भी एयर और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें आग लग जाती है। ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है, इसीलिए एयर और वाटर के कांटेक्ट से बचाने के लिए हम उसे किरोसिन वायल में रखते हैं। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई ब्रॉन्ज आर प्रिफर्ड ओवर कॉपर फॉर मेकिंग स्टैच्यू। ब्रॉन्ज ही हम क्यों चूज़ करते हैं स्टैच्यू बनाने के लिए बजाय कॉपर के? देखते हैं आंसर। ब्रॉन्ज इज प्रिफर्ड ओवर कॉपर मेटल फॉर मेकिंग स्टैच्यू बिकॉज ब्रॉन्ज इज एन एलॉय विच इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर रेसिस्टेंस टू करोजन देन कॉपर। और ये इसलिए करते हैं कि ब्रॉन्ज एलॉय है, उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, मजबूती होता है, और वो ज़्यादा उसमें जंग भी नहीं लगता है आसानी से। इसी वजह से हम कॉपर के बजाय हम ब्रॉन्ज का यूज करते हैं किसी स्टैच्यू को बनाने के लिए। और ये आंसर यहीं तक था। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास लाता रहूँ। थैंक यू।